सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे अपने हिंदी में। हाँ, आई होप पहले सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि PT2 के एग्ज़ाम आपने दे दिए होंगे, अपने एग्ज़ाम खत्म हो गए ना PT2 के, और आपने अच्छे से उसमें लिखा होगा। ओके, शब्द लिखा है ना? गुड, वेरी गुड। अब हम वापस से क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक में विषय हिंदी में कक्षा 2 विषय हिंदी में लास्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, है ना। अपन लोगों ने पहले ही हम कह रहे थे कि हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन हम इसको टर्म 2 में वापस एग्जाम में लेंगे, इसलिए इसको हम इसका PDF भी भेजेंगे और इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, ये टर्म 2 में भी आएगा, हम इसको लेंगे। तो अभी इसको हमने पढ़ तो लिया है, हम इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं इसको, कौन सा पार्ट है? एक की होती कहानी से क्या मीडियम हम पहले से जानते थे कि एक की और दूसरी उनके घर आने वाली है, तुम्हें कैसे पता चला? अब बूढ़ी अम्मा क्यों जानती थी, इसलिए पता चला, वो पूछ रहे कि कैसे पता चला, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने नहाने का पानी और उसके लिए सारी व्यवस्था करके रखी थी। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि अम्मा को शायद पहले से पता हो कि एक की और दूसरी आने वाली है। फिर नेक्स्ट है दूसरी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि वो फुर्ती से और दौड़कर अम्मा के घर भाग के जा रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। फिर है एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की, एकी ने मदद कैसे की थी, उसने पहले झाड़ी में तो पानी डाला था और गाय को घास फूस थी ना रास्ते में से, क्योंकि गाय भूखी थी, मरियल सी गाय थी, तो उसको खाना खिलाया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मेहंदी की झाड़ी में एकी को लगाने को मेहंदी दी, मेहंदी झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से, अब ये क्या है, दे रहे हैं मेहंदी लिखी, तो हमें इसको सही क्रम में लिखना है कि मेहंदी की झाड़ी को कैसे तैयार किया, सॉरी मेहंदी को कैसे तैयार की जाती है। अब यहाँ पे लिखा है पहले मेहंदी की झाड़ी से क्या करेंगे, सबसे पहले पत्ते तोड़ेंगे, फिर उन पत्तों को सुखा देंगे, फिर जब सूख जाएंगे वो पत्ते तो उनको पीसेंगे, फिर पानी डालकर जब वो पीस जाएगा तो उसको पानी डाल के उसको मेहंदी बनाएंगे, फिर मेहंदी बन जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे हाथों पर लगाएंगे। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो एक बार देखो बेटा इसको, ये पत्ते हम तोड़ेंगे, सुखा देंगे, पीसेंगे, पानी डालेंगे, मेहंदी बन जाएगी। ओके, और फिर हम इसको हाथों पर लगाएंगे। यहाँ पे हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट पेज निकालते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम इसका, नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता है, किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है। अब मेहंदी का तो ऑलरेडी हो जाता है ना, क्योंकि मेहंदी लगाते हैं उसके बाद उसका कलर धीरे धीरे 2-4 दिन बाद उसका रंग फीका पड़ जाता है। ऐसे जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, वो कपड़े भी हम धोने के बाद जैसे जैसे धोते जाते हैं उनको तो वो फीके हो जाते हैं। और किसका हो जाता है, जैसे कमरों में हम कलर करते हैं, कमरों में जो हम कलर करते हैं सभी रंग करते हैं ना, इसमें कमरों का रंग की या लिखेंगे कमरों का कलर या रंग, जो कमरों में लिखेंगे जो हम पेंट करते हैं जैसे क्लासरूम में कैसे हो रहा है ये कलर हो रहा है ना, तो ये भी धीरे धीरे एकदम हम डार्क करेंगे और बाद में धीरे धीरे इसका कलर भी हट जाता है और फीका पड़ने लग जाता है। ओके, ये हम यहाँ पे यही लिखेंगे। और भी कई चीज़ होती है, सूती कपड़े होते हैं उसका भी रंग ऐसा हल्का पड़ जाता है, कई बार धीरे धीरे कोई कलर बहुत हल्का होता है तो वो धीरे धीरे कपड़ों में से भी निकल के हल्का हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको देखते हैं बेटा,
अच्छे से अपना हाथ बना देना है। फिर वो अपना हाथ ऐसे छप जाएगा इसके अंदर स्पेस पे जो दे रखा है ना, उसमें छप जाएगा हमारा, तो उस पर हम अच्छी सी डिजाइन से मेहंदी लगाएंगे। अगर जिसको भी आती है ड्रॉइंग, जिसको अच्छे से आती है वो अच्छे से कर सकता है इसको, है ना। किसी भी तरह की आप कोई भी डिजाइन या बना सकते हो अपना हाथ बना के। ये मैं यहाँ बना ले रही, आपको अपने आप ही ऐसे पूरा पेंसिल लेके अच्छे से ऐसे बनाना है, जो एक्टिविटी जैसे ये हो जाएगा, है ना। और इससे हमको अच्छे से डिजाइन लगा लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसके नीचे क्या है, ये आ गया 103 पेज नंबर। इसमें है अपने मन से कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा, सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। अभी क्या करता है, जैसे बालों की संख्या, अब बालों की संख्या के अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ा था, जैसे कैसे था कि एक एक केस वाली एक थी, अब उसके एक था, यहाँ पे क्या लिखा है बालों की संख्या कितनी थी, उसके बाल एक बाल था एक ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, वो पूरा नाम तो क्या था उसका एक केस वाली, और छोटा नाम क्या हुआ उसका एक, शॉर्ट में नाम बुलाया ना, जैसे कभी कभी बहुतों के घर में भी मम्मी पापा भी हमको शॉर्ट में घर नाम से बोलती है ना, किसी का नाम कुछ होता है घर में प्यार से जो भी नाम बुलाती है, ऐसे शॉर्ट में जो नाम होता है वो यहाँ पे हमको लिखना है। अब ये दो है तो दो केस वाली, मतलब दो बार में दो केस वाली क्वेश्चन क्या बोलते थे, दो की। ओके, अब नेक्स्ट है 100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 केस वाली, तो ये नाम हो गया 100 केस वाली बोलते हैं इसको, 100 केस वाली। ओके, 100 केस वाली। अब इसका नाम क्या हो गया, सुक्की रख देंगे इसका नाम, दुक्की सुक्की, इसका नाम हो गया सौकी। अब ऐसे ही नेक्स्ट है शून्य, तो शून्य केश वाली मतलब जिसकी कुछ भी बाल नहीं है बिना केश वाली, तो यहाँ पे उसका नाम लिख लेंगे बिना केश, बिना केश वाली। ओके, अब इसको तो हम कोई भी नाम नहीं दे सकते ना, शून्य बिना केश वाली को तो क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं रखेंगे सौकी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक बार और देखते हैं इसको, बालों की संख्या पूरा नाम छोटा नाम, एक एक केस वाली एक, दो दो केस वाली दो की, फिर सौ सौ केस वाली सौकी, और फिर शून्य हो गया है बिना केस वाली, इसको हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे कैसे नहीं कहते कि इसके बाल नहीं है, इसके सिर पे गंजा है, ऐसा बोलते हैं ना बिना बाल वाले, उस तरह से हम यहाँ नाम भी लिखेंगे। मैं आपको बोलने की बात बता रही हूँ कि इसके बाल नहीं थे तो हम क्या उसको चिढ़ाते थे कि इसके तो बाल ही नहीं है गंजा है सिर पे, इस तरह से। अभी हम यहाँ तक हमने एक्सरसाइज कर ली, हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज इसके पीछे देखते हैं। अभी देखते हुए बेटा नेक्स्ट इसको तुम्हारे वाक्य, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं जी, उनमें जिन शब्दों के नीचे लाइन लिखी है उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। अब हमको यहाँ पे ये जो लाल लाल दे रखे हैं ना उनके, हमको उनसे एक वाक्य बनाना है, यहाँ ऑलरेडी वाक्य बना हुआ है लेकिन हमको नया वाक्य है बनाना है। नेक्स्ट पहला है जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, अब ये सन्नाटा डार्क है ना, ये इसका हमें दूसरा वाक्य बनाना है। जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था तो एक कोई हम वाक्य बना सकते हैं कि जैसे ही हमारी क्लास में हमारे प्रिंसिपल आते हैं या हमारे मैडम आते हैं तो क्लास में एकदम सन्नाटा हो जाता है, तो इस सब इस तरह से हम वाक्य नया बना सकते हैं कि अगर हमारी कक्षा में जैसे ही प्रिंसिपल मैडम आते हैं या सर आते हैं तो हम एकदम सन्नाटा छा जाता है, एकदम शांति छा जाती है, तो ये हमको अपने आप वाक्य नया बनाना है। फिर नेक्स्ट है मामा को सोचने की फुर्सती कहाँ, काम में जो रुझे रहते हैं, अब इसमें क्या है इससे फुर्सत, इससे हमको नया वाक्य बनाना है। जैसे मुझे पढ़ाई से और कोई काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं दिन भर इतना पढ़ता रहता हूँ कि मुझे कोई काम के लिए और दूसरा काम करने की फुर्सत ही नहीं है, इस तरह से और भी कोई वाक्य बना सकते हो। जैसे मेरी मम्मी को इतना काम करती रहती है, मम्मी भी दिन भर मम्मी को फुर्सत नहीं है, पापा भी इतने बिजी रहते हैं कि उनको हमारी तरफ ध्यान देने के लिए मतलब हमको पढ़ाने के लिए फुर्सत नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं दूसरा वाक्य। फिर है अब है बहुत सरकट घर की तरफ दौड़ चले, ये तो पूरा वाक्य तो नहीं रखना है लेकिन हमको जो डाल के उसका अलग से और वाक्य बनाना है, तो सरकट मतलब जल्दी से
तो अपन हम बोल सकते हैं कि वह सरपट चूहा चूहे को जैसे बिल्ली ने देखा तो चूहा सरपट से दौड़ गया, और बिल्ली को कुत्ते ने देखा तो बिल्ली सरपट से दौड़ चुकी। फिर ऐसे हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं कि मैं सरपट दौड़कर बाजार गई, मम्मी ने मुझसे कुछ सामान मंगाया तो मैं सरपट से दौड़ के बाजार गई। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई, अब इसको हम मुरझा इसका इसका वाक्य बनाना है। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे कि अगर हम पौधों में पानी नहीं देंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे, अगर हम फूल की डाल जो फूल की कली होती है उसमें हम पानी डालेंगे तो कली भी फूल भी मुरझा जाएगा। ओके, अभी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये तो आप समझ गए ना, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था तो सन्नाटा है, इसका हमें वाक्य बनाना है। फिर बाबा को सोचने की फुर्सती कहाँ है, काम में जो रहते हैं इसका भी हमको अपने आप वाक्य बनाना है। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, इसका भी हमको वाक्य नया बनाना है। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, ये यहाँ मुरझा है, इसका वाक्य बनाना है। वाक्य बनाएंगे जैसे आगे के लेसनों में हमने लिखे ना, नए वाक्य बनाएंगे। अब मैं ये नेक्स्ट है नाम और काम। अभी नाम और काम क्या है, ये व्याकरण हो गया, ग्रामर हो गया, एक तरह से ये व्याकरण में आते हैं। और इसमें क्या है, संज्ञा है और काम क्रिया है। इस व्याकरण में नाम क्या हो गया, संज्ञा है, और काम क्या हो गया, क्रिया है। ये हम आपको जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे ना तब आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, बड़ी क्लासेस में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अभी हमको केवल हम शॉर्ट में इसको ओरली कर लेते हैं। जैसे नाम, अभी ये नाम क्या होता है, संज्ञा होती है। तो संज्ञा कैसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी स्थान का नाम हुआ, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी नाम हुआ, मोहम्मद हुआ या ललिता हुआ, कोई भी नाम हुआ, जैसे ताजमहल हुआ, स्कूल विद्यालय हुआ, गांधी जी हुआ, जवाहरलाल नेहरू, पता है ये सब जो नाम है बड़े बड़े वो संज्ञा कहलाते हैं। और क्रिया, क्रिया मतलब कोई चीज़ करना, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो वो एक क्रिया हो गई, आप लोग गेम खेल रहे हो तो वो भी क्रिया हो गई, हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाना क्या है, क्रिया है ना। इस तरह से हमको इस वाक्य में से नाम और काम ढूंढना है। कैसे, एक ही ने देखा कि एक मरियम सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी, अब इसमें एक ही क्या हो गया, संज्ञा हो गया, क्योंकि नाम है मुझे और अब इसमें एक ही क्या हो गया, नाम है तो ये संज्ञा हो गई, एक ही क्या हो गई, संज्ञा हो गई। फिर इस तरह से मरियम सी गाय, तो गाय क्या है, एक ही संज्ञा है, समझ गए, नाम है ना, कोई भी नाम होता है, जगह का नाम होता है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं, टेबल कुर्सी ये सब संज्ञा ही कहलाते हैं। पेड़ से बंधी हुई थी, बंधी हुई थी क्या हो गया, क्रिया हो गई, क्योंकि वो बंधी हुई थी, कोई भी काम करना कुछ कोई भी करना वो क्रिया कहलाती है। इस तरह से बेटा ये व्याकरण के अंदर आता है, ग्रामर के अंदर आता है, आप लोग इंग्लिश में सीखते हो ना ग्रामर, उस तरह से हिंदी में भी व्याकरण में, जैसे हम विलोम शब्द हुआ और भी सब करते हैं, एक वचन बहुवचन करते हैं, ये सब ग्रामर में आता है। और ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये सभी ग्रामर में आता है। उसका संज्ञा कौन सा है, नाम कौन सा है, एक की संज्ञा है और गाय की संज्ञा है, और जो नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाती है, और बनी हुई क्या है, क्रिया है। क्रिया मैंने बताया ना आपको, कोई भी काम करना, खाना, दौड़ना, ये सब क्रिया कहलाती है। तो आज हमने एक ये वाले लेसन की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करी होगी बेटा, आई ओके बेटा, हमने ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज तो कर ली है ना, आई होप आप भी इसको अच्छे से पेंसिल से साफ साफ हैंड राइटिंग में करना। और इसका मैं आपको सारांश तो आपको मालूम होगा, इस पार्ट का क्या था, इसमें दोनों बहनें थी, एक की और दो की, एक की कैंसी थी, उसका एक बाल था और दो की के दो बाल थे, लेकिन दो की थोड़ी घमंडी थी, एक की बहुत अच्छी लड़की थी, वो सबकी मदद भी करती थी, है ना, क्योंकि उसने क्या किया था कि झाड़ी को पानी दिया था और गाय जब भूखी थी उसके लिए भी खाना लेके आई थी, घास फूस खिलाया था, लेकिन दो की जब दौड़ के जा रही थी अपने बाल लेने की, सोच रही थी कि मेरे भी दो बाल आ जाएंगे, बहुत सारे बाल आ जाएंगे, क्योंकि एक की अम्मा भी उससे खुश हो गई थी, तो एक की को बहुत सारे बाल मतलब सिर पे आ गए थे, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, गाय की मदद की थी और झाड़ी को भी पानी दिया था, तो कहते हैं ना उनकी दुआएं उसको लगी थी, इस वजह से अम्मा ने उसकी हेल्प की, मतलब अम्मा ने भी उसको इतनी मदद की अम्मा ने कि उसके भी सिर पे बहुत सारे बाल आ गए, और वो इसी तरह से दो की क्या सोच रही थी कि मैं भी जाऊँगी तो शायद मेरे को भी ये सब मतलब बहुत सारे बाल आ जाएंगे, लेकिन वो रास्ते में उसने ना तो गाय को कुछ खिलाया और ना ही झाड़ी में वो पानी दिया, और वो चुप
चुपचाप दंदनाती हुई और कहाँ चली गई, अम्मा के पास। और अम्मा से दादा मतलब बिल्कुल ऐसे बोली कि मेरे लिए फटाफट से पानी लाओ खाने का। और उसका क्या हुआ, वो अच्छी नहीं थी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, तो उसको क्या किया कि उसके जो दो बाल थे इतनी घमंडी थी, वो दोनों बाल भी उसके चले गए। तो इसलिए बेटा हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, है ना, और सबकी मदद करनी चाहिए। कोई भी रास्ते में कोई भी जानवर हो या कुछ भी हो, पेड़ पौधों में पानी डालना हुआ तो बेचारा कोई भूखा है, पानी पिलाना हुआ या ऐसा नहीं, जानवर ही हुआ किसी की भी, हमको रास्ते में भी कोई बेचारा गरीब है अगर हमारे पास है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। और आज हमने टर्म वन के लिए मैंने मना किया था, ये लेसन हम नहीं करेंगे, लेकिन अब ये टर्म टू में ये लेसन हमको करना है, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। ओके, थैंक यू बेटा।